क्यों पसंद है, अगर पसंद है तो? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो सब्सक्राइब की रेटिंग है, लिस्टिंग गेन के लिए लगाना है तो भी लगाइए, लॉन्ग टर्म में रखना है तो भी लगाइए। टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में पसंद आता है, सबसे पहले तो मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अभी के टाइम पे वैल्यूएशन को देती हूँ, क्योंकि नीरज जी जो भी लास्ट हम आईपीओ देख रहे हैं सब में वैल्यूएशन को लेके ही हमेशा सबसे बड़ा कंसर्न आता है। तो वैल्यूएशन इन्होंने रीजनेबल किए हैं, दूसरी तरफ टाटा समूह की कंपनी है तो ये ब्रांड नेम बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है, ब्रांड की भी एक वैल्यू होती है जो उसे मिलती है, तो वहां पे भी ये कंपनी एकदम सही साबित होती है। तीसरी तरफ मार्की क्लाइंट्स हैं इनके पास, क्योंकि बिल्कुल देखा जाए तो टाटा मोटर्स और जैगवार जो कि इनके एंकर क्लाइंट हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा भी इनके वर्ल्ड के अदर ऑटोमोटिव क्लाइंट्स हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि जैसे जैसे कि ये डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, धीरे धीरे डाइवर्सिफाई होंगे, दूसरे भी क्लाइंट्स धीरे धीरे तूल पकड़ेंगे, तो वो भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और मेरे को लगता है क्योंकि एजुकेशन स्पेस में भी है ये, क्योंकि वहां पे भी बहुत ज्यादा जरूरत है स्किल करना, इक्विप करना इंजीनियर्स को, और उससे भी रिलेटेड ये काम करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कंपनी के लिए। तो पसंद आता है, अच्छा ब्रांड है, बढ़िया समूह की कंपनी है, वैल्यूएशन डिसेंट किए हैं, टेबल पे छोड़ा है, तो लिस्टिंग गेन तो मिलने की उम्मीद है, और पोर्टफोलियो में भी रह गया तो भी लॉन्ग टर्म में भी रिटर्न देखे जाएगा। लिस्टिंग के बाद अगर नहीं, देखिए इसमें क्या ना किस्मत वाली बात है। देखिए 200 गुना, 300 गुना, भी पता नहीं कितने गुना ये सब्सक्राइब होगा, और किस्मत का ताला पता नहीं खुले कि नहीं खुले। तो लिस्टिंग के बाद अगर ले तो किस वैल्यूएशन पे ले? मतलब 500 से 800 हो गया तो भी ले सकते हैं क्या? 1,000 रुपये हो गया तो भी ले सकते हैं क्या? देखिए जहां तक हमारा एक कयास है, ये हम श्योर तो कोई भी नहीं होता, क्योंकि मार्केट का मूड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब लिस्टिंग होने जाती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल 300 रुपए ऊपर इसकी लिस्टिंग होनी चाहिए। तो 800 से 850 के आसपास अगर लिस्टिंग होने की हम एक उम्मीद लगा रहे हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ कोई जरूरी नहीं है, मार्केट के मूड पे भी डिपेंडेंट होता है, इसका सही आकलन कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये वहां तक लिस्ट होता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वहां पे एक्यूमुलेट करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो हम मान के चल रहे हैं जिस तरह से कंपनी परफॉर्म करेगी आने वाले सालों में, इसकी वैल्यूएशन और भी बढ़ती हुई नजर आएगी, जो माइट भी डबल हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पे नजरिया साल भर का रहेगा। तो अगर 800 के आसपास ये लिस्टिंग डे के दिन मिलता है तो भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जरूर इसमें अक्यूमुलेट किया जा सकता है। उन लोगों के लिए ये राय है जिनको की अलॉटमेंट नहीं आते, और मेरे हिसाब से मेजोरिटी आजकल वैसे ही रहती है, अलॉटमेंट मुश्किल से लगते हैं क्योंकि सब्सक्रिप्शन फिगर्स बहुत हैवी है। आज पहला दिन, और नीरज जी आज ही आप देखिए क्या सब्सक्रिप्शन फिगर्स निकल के आ रहे हैं, तो मुझे कोई ताजुब नहीं होगा कि तीसरे दिन ये बहुत अच्छा खासा ओवर सब्सक्राइब होगा। ये शो करने का मकसद मैम यही है कि मुझे पता था कि ये सब सब्सक्रिप्शन इसी तरीके से आने हैं, और बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल है कि लिस्टिंग के बाद भी लिया जा सकता है क्या? ये तो खैर बेसिक थी, अभी थोड़ा इसको डिटेल में और समझते हैं, क्योंकि ये इशू बहुत हाइप्ड है।